मुरारीलाल जी शर्मा नागरिक परिषद रतनगढ़ का अध्यक्ष स्वागत करेंगे। जगदीश जी स्वामी कृष्णलाल जी रजनीकांत जी सोनी का स्वागत करेंगे। सरपंच साहब और राज हरि सिंह ये गौ माताओं का गौशवक है, जो गौ माताओं का ग्वाला है, उनका श्रीमान मुरारी जी ने स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लीजिए, ग्वाले को श्रीमान मुरारी जी ने दक्षिणा भी दी। धन्य हो, जय गौ माता। एसडीएम साहब व सभी अतिथिगण पधारे हुए मेहमानों का पहले स्वागत किया गया, उसके बाद सभी को नाश्ता कर रहे हैं। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताओं की सेवा में आज चूरू जिले में सबसे पहले वैक्सीन श्री कृष्ण गौशाला लोहा में लगा के वैक्सीन का शुभारंभ कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत किया। अभी सभी नाश्ता कर रहे हैं श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। प्रकट करता हूँ कि आप निरंतर गौ सेवा में जो सहयोग दे रहे हैं, आशा है आप निरंतर गौ सेवा करते रहेंगे। और समस्त जो हमारे नोडल अधिकारी श्री उन्ताराम जी व समस्त जो डॉक्टर साहब, जो पशुपालन विभाग के जो ANM वगैरह जितने भी आए हैं, मैं उन सभी का आभारी हूँ कि इस वैक्सीनेशन शिविर को आप सफल बनाएंगे और अधिक से अधिक ग्रामवासी भी इस शिविर का लाभ उठाएंगे। ज़्यादा जानकारी आपको श्री उन्ताराम जी दे सकते हैं, क्योंकि वो मुख्य डॉक्टर हैं, कि कैसे वैक्सीन लगेगी, किसके लगेगी, कौन से पशु की लगेगी। क्योंकि यदि कोई पशु बीमार हो तो कुछ संकट भी रखना पड़ सकता है। नागरिक के मुख्य सदस्य मुरारी लाल जी का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय राजेंद्र गुरुवारी डॉक्टर हीरा लाल जी तथा डॉक्टर प्रमोद जी तथा अन्य रतनगढ़ नागरिक परिषद के सम्मानित सदस्य तथा ग्रामवासियों और आज बीमारी जब से लंपी स्किन डिजीज शुरू हुई थी, करीब ये जुलाई के लास्ट तक के साने लगे थे, अगस्त में चले थे, उसके बाद में चूरू जिले में पहली बार अपन बीमारी जाने के बाद भी वैक्सीनेशन प्रारंभ कर रहे हैं। इस वैक्सीनेशन को वहीं किया जाता था पहले जहां एरिया में कोई भी बीमारी नहीं है, एक भी पशु बीमार है तो उसको वैक्सीन को पहले नहीं लगा सकते इसी गांव में, इसीलिए पहले रोका गया था। अब गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन जारी की है कि जिस एरिया में पशु रिकवर हो गए हैं तथा वहाँ पर पिछले 20 दिन घर में और गौशाला में 28 दिन या 20 दिन के बीच में से कोई केस नहीं आ रहा है तो वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा सकता है। तो आज यूँ मानो चूरू जिले में सबसे पहले अपने लोहा में ही लगी है और कहीं नहीं लगी है चूरू में, रतनगढ़ में सबसे पहले अपने नहीं लगा रहे हैं। तो ऊपर से हमारे को परसों वैक्सीन प्राप्त हुई थी, परसों शाम को, और कल हमने थोड़ी सी तैयारी की, मेरे कल शुरू करवाते, कल आज हमने ये शुरू करा दी वैक्सीनेशन। हम सबसे पहले ट्रायल बेस 100 वैक्सीन यहाँ लगाएंगे, 100 लगाएंगे पिंजरापोल। पहले हमने दोनों गौशालाओं को आइडेंटिफाई किया, उसमें पता लगाया कि पिछले कितने दिनों से कोई पॉजिटिव केस तो नहीं आ रहा है, सारे केस रिकवर हो रहे हैं, वो उनके संपर्क में नहीं है,
तो सबसे पहले पिंजरापोल गौशाला में भी एक स्लॉट देखा था, पिछले एक महीने में वहाँ कोई केस नहीं है, और यहाँ आज पिछले 35 दिन में लोहा गौशाला में कोई केस नया केस नहीं आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्यूबेशन पूरा हो जाता है, 4 सप्ताह का लगभग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो फिर हमने सोचा उचित समझा कि लोहा गौशाला से, फिर मैंने साहब से निवेदन किया SDM साहब से कि सर हम ऐसा लगाना चाहते, बोला फिर साहब ने चला कि काम आऊँगा, फिर तो मैं भी आऊँगा गौशाला में लगा रहे हो तो हम आएंगे। तो फिर आज हमने तय किया, अब यहाँ पे हम 100 वैक्सीन आज यहाँ लगाएंगे, 100 वैक्सीन लगे पिंजरापोल गौशाला में, उसकी हम 7 से लेकर 10 दिन तक निगरानी रखेंगे कि किसी की फीवर तो नहीं आ रही है, कोई अलग सिम्टम तो नहीं आ रहे। यहाँ पे पाबंद किया जाएगा, बॉस हैं प्रमोद जी, आते जाते एक दो बार देख लेंगे, बाकी नारायण है, ये डेली आपकी ऑब्जर्वेशन होगा। गौशाला में जितने भी आदमी हैं, जो यहाँ के वर्कर हैं, वो प्रतिनिधि, वो भी जिन पशुओं के मार्किंग की गई है, वैक्सीन लगी है, उनको ध्यान रखते रहे, क्योंकि ये तो 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लाएंगे, कई बार पता नहीं चला ऑब्जर्वेशन का, खाने पीने में कुछ चेंजिंग है, स्वभाव में चेंजिंग है, बुखार के सिम्टम तो नहीं देख रहा है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। 10 दिन तक यदि इस तरह का कोई भी सिम्टम नहीं आया तो फिर हम मास्टर पे पूरे ज़िले में, पूरी तहसील में घर घर जा करके गौशालाओं में सब जगह वैक्सीनेशन करेंगे। अभी हम सिर्फ 2 जगह करके इसको ऑब्जर्वेशन में लेंगे, ठीक है। इसीलिए आप सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आपकी भी इतनी है ताकि उसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, यदि ऐसी सूचना होती है तुरंत हमें सूचित करें ताकि हम आगे उसका ऑब्जर्वेशन, बाकी ऐसी स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि 35 दिन से कोई केस नहीं आ रहा, इसका मतलब है नहीं यहाँ संक्रमण, अपने संक्रमण काफ़ी कम हो गया है। चूरू जिले के अंदर पूरी मोटी मोटी डेथ 10-15 से 20 जाने लगी है, झुंझुनू में आगे बढ़ी है, वहाँ बढ़ रही है, वहाँ पीक पॉइंट चल रहा है, आगे यूपी तक बढ़ गया, आगरा मथुरा वहाँ तक चला गया, वहाँ अपने अगस्त में पीक पॉइंट था 28 अगस्त 30 अगस्त को, ये लगभग आगे उसके बाद में डाउन कम होती जा रही है, और अब लगभग कलकत्ता तक भी चल रही है, कलकत्ता सब जगह देखिए पश्चिम ऊपर की स्टेट जीते हैं यूपी में, सब जगह गुजरात में है ही, पहली रिकवरी जो अभी जो केस हैं सिर्फ रिकवरी के घाव के केस हैं, बाकी नए केस वैसे नहीं आ रहे, बच्चों में एक दो में जरूर, कई छोटे बच्चों में एक दो जगह आ रहे हैं या क्रॉस ब्रीड में, बाकी नहीं है। ज़्यादातर इसने देशी गायों को ज़्यादा प्रभावित किया है, पीड़ित उनको ज़्यादा किया है, विदेशी नस्ल थी उनको कम किया है, उनको प्रभावित हुए, देशी नस्लों को ज़्यादा किया, घर की गायों को ज़्यादा प्रभावित किया है, घर की गायें ज़्यादा मरी हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन की वजह से प्लस प्रेगनेंसी है, मतलब एडवांस प्रेगनेंसी 6 महीने की 7 महीने की, तो वो स्ट्रेस में रहती है, प्रोडक्शन जो दूध ज़्यादा देती है तो प्रोडक्शन का स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से उनकी डेथ ज़्यादा हुई, बाहर खुले में घूमती थी उनकी कम हुई है। गौशाला में आपके गौशाला प्रबंधकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी सावधानी की वजह से ये पहली एक गौशाला है जिसमें सिर्फ मात्र एक पशु की डेथ हुई। बिल्कुल राजेश में धन पशु भी ज़्यादा उधर है, लेकिन और कोई से भी गौशाला देख लो उनमें इतनी ये नहीं इतनी जल्दी कंट्रोल है, यहाँ मान लो प्रभु की कृपा मानो, आपकी मेहनत मानो, आपकी साफ सफाई आपकी उसकी वजह से, सावधानी की वजह से सिर्फ एक ही, मतलब यूँ मानो अपने तो बीमारी आई नहीं गौशाला में, वरना तो आप गांव में जाके देख लो, अपने खुद के गांव में चले जाओ, गांव में ही बहुत हैं, मरे भी खूब हैं आए भी खूब हैं। इसके लिए अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपको बधाने के लिए, रत्न नागपुरी को हमारा सहयोग करने के लिए पूरे, जब मैं तो जब भी जरूरत होती थी मैं रजनीकांत जी को फ़ोन करता साहब ट्यूब चाहिए, मैं कितनी चाहिए साहब मंगा लो डॉक्टर साहब 10 छप्पन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे एक फ़ोन पर भी इतनी व्यवस्था कर दी। ये सारे की सारा ये रत्न नागपुरी इन्होंने तैयारी करी की थी, दादेलाल जी सभा को संबोधित करूँगा। मैं साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ बना रखी है, जिसको आज डॉक्टर साहब ने SDM साहब के सामने सुनाया, आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी तरफ से जो भी आवश्यकता होगी अब समय पर हम लोग सूचित करेंगे, तो हम लोग आप लोगों के लिए जितनी हो सकेगी सेवा करते रहेंगे, उसका सदुपयोग होना चाहिए, कोई भी सहायता मिले उसका सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी तरह का ऐसा विचार नहीं आना चाहिए किसी के मन में कि भाई हमने पैसा भेजा, हमने ये चीज़ भेजी वो सही काम में नहीं लगी, उसका दुरुपयोग हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा यह है, और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और मेरे को भी मौका मिलता है आता हूँ आपके यहाँ पर देखे, मेरे को भी मन में सबको प्रेरणा भी करता हूँ कि भाई लोहा गौशाला में आप लोग चलो मेरे साथ, चलो जाके सेवा करो, देखो उनकी सेवा, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आज SDM साहब ने भी कह दिया, डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो ये साबित हो गया कि आप लोग की सेवा साकार है। आशा करता हूँ कि भविष्य में और अच्छी होगी। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। माननीय श्री लोहा गौशाला के पावन प्रांगण में
और राज्य सरकार के विशेष अभियान जो उपखंड अपने रतनगढ़ का वैक्सीनेशन सबसे शुरुआत यहाँ सबसे पहले यहाँ शुरुआत हुई है। इस आम सभा में उपस्थित अपने नोडल अधिकारी श्री हुंताराम जी मीणा साहब क्या नाम बताया था मुरलाल जी शर्मा साहब सरपंच साहब डॉक्टर साहब और राजेश जी लोनिया जी संचालक और यहाँ काम करने वाले सभी स्टाफ नागरिक सेवा परिषद के साथी लोग सभी ग्रामवासी। वैसे तो यहाँ सारे के सारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गौओं की सेवा करने वाले लोग ही हैं। जो यहाँ डायरेक्ट सेवा करते हैं वो सामने हैं और दूसरे लोग हैं वो मन से कर्म से या वचन से या धन से सेवा करते हैं। ये जानकर डॉक्टर साहब ने बताया, ये जानकर बड़ा हर्ष हुआ, खुशी हुई कि यहाँ पर मात्र एक ही गौ माता की डेथ हुई है और बीमारी गेट के बाहर ही रही है अभी तक। भगवान करे, आशा करते हैं कि ये लंपी की बीमारी अब अपने यहाँ से लगभग जा चुकी है और यहाँ आए नहीं। आपकी व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैं पिंजरापोल में भी गया हूँ, राजलदेसर भी गया हूँ, दूसरी कई गौशाला में मैं जाके आया हूँ, तो आपकी व्यवस्थाएं भी बहुत ही शानदार हैं, अच्छी हैं। एरिया आपके पास काफ़ी अच्छा है, इसमें जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं उसी तरह से यदि लगे रहेंगे तो आप शहर की गौशालाओं से अच्छी गौशालाएँ यहाँ बना पाएंगे। तो इन्होंने सही समझा कि शहर में तो बहुत सारे दूसरे भामा साहब भी होते हैं और वहाँ पर कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि गऊओं के लिए जो गौशालाएँ ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनमें ग्रामीण लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो सारी व्यवस्थाएं कर दें। चारा आजकल खेतों में कम होता है और गऊओं का जो चारा है वो बहुत महंगा है। प्रशासन की तरफ से तो कोई शायद आवश्यकता होती नहीं है आप लोगों को। बाकी मैं गौ माता के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। धन्यवाद।